दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होगा, इस सवाल पर बना सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा था कि जल्द ही कीर्ति आजाद के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इंतजार की घड़ी अब तक खत्म नहीं हुई है। इसके पीछे की वजह पार्टी में छिड़ी बगावत है, जो आजाद के अध्यक्ष बनने की राह में रोड़ा बन रही है। बीजेपी के कमल को थामकर सियासी पिच पर उतरने वाले कीर्ति आजाद अब अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं है। भले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उन्हें दिल्ली अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देना चाहती हैं, लेकिन उनके नाम का पार्टी के नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। कीर्ति आजाद को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना न तो अजय माकन को अच्छा लग रहा है और न ही शीला दीक्षित के खेमे को। सूत्र बताते हैं कि अरविंदर सिंह लवली समेत दूसरे नेता भी इसे ठीक नहीं मान रहे हैं। वहीं कांग्रेस के एक वर्ग ने कीर्ति आजाद को अध्यक्ष बनाने के फैसले के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि आजाद बाहरी हैं, साथ ही उन्हें कांग्रेस की रीति और नीति की ढंग से जानकारी नहीं है और न ही वो कांग्रेस के कल्चर को समझते हैं। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि आजाद लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आए हैं, इसीलिए उन्हें अध्यक्ष पद परोस देने से पार्टी के पुराने नेता की उपेक्षा जैसा गलत संदेश आएगा। कांग्रेस नेताओं के ये विरोधी सुर सोनिया गांधी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि दिल्ली अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। 3 महीने से नए अध्यक्ष के चयन की कवायद चल रही है, लेकिन नेताओं में जारी कलह की वजह से अभी तक दिल्ली प्रमुख पर फैसला नहीं हो पाया है। पहले इस रेस में पीसी चाकू से लेकर अजय माकन तक का नाम था, लेकिन नेताओं के बीच अनबन की वजह से कीर्ति आजाद के नाम को आगे रखा गया। मगर अब तो कीर्ति आजाद के नाम पर भी कलह शुरू हो गई है। अगर जल्द ही इस तकरार को खत्म नहीं किया गया तो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।